आज आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी एंड यू नो समर साइड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जो टाउन है समर साइड उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं टू गिव यू पीपल एन आइडिया कि ये सिक्लूडेड जो प्रोविंसेस होते हैं थोड़े शांत जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे और प्रोविंसेस लाइक बीसी स्पेशली द सरी एरिया एंड वैनकूवर में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल तो खैर मैं समर साइड ही शूट कर सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन सरी। वंस आई गो बैक मैं वहाँ भी शूट करूँगी एंड देन यू पीपल कैन यू नो मेक अ डिफरेंस कि एक्चुअल में कितनी अलग दुनिया है दोनों। एक ही कंट्री में यू काइंड ऑफ सी यू नो सो मच ऑफ डाइवर्सिटी चाहे वो पॉपुलेशन में है चाहे वो ब्यूटी वाइज है चाहे वो टोपोग्राफी वाइज है या वेदर वाइज है। आगे आने वाली वीडियोस में आई एम गोना टीच यू कुछ कुछ फ्रेंच के वर्ड्स कुछ कुछ फ्रेंच के यू नो ग्रीटिंग्स एंड ऑल जो हम रोज यूज कर सकते हैं। मेरी फ्रेंच स्पेशली द जो फ्रेंच का एक्सेंट है इट्स नॉट दैट गुड ऑब्वियसली इट्स नॉट द यू नो नेटिव एक्सेंट एट ऑल बट हाँ थोड़ा बहुत आई कैन मैनेज एंड आज से मैं अपनी वीडियोज में आई मेक श्योर कि मैं थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंच जो है वो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो जो पहला वर्ड है जो हम लोग मीन सबसे ज्यादा यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में इज द नमस्ते हेलो सत श्री अकाल अदाब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फ्रेंच में नमस्ते हेलो को हम बोलते हैं बोंजूर या हम कहते हैं सैल्यू सो इट्स लाइक बोंजूर सैल्यू। एंड द अदर वर्ड जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारी इंग्लिश में इज थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। सो थैंक यू को हम फ्रेंच में बोलते हैं मैसी मैसी बुकू। थैंक यू सो मच इज लाइक मैसी बुकू और थैंक यू इज मैसी मैसी बुकू। इंग्लिश में हम पूछते हैं कैसे हैं आप सब लोग या कैसे हो आप हाउ आर यू तो हम इसमें पूछेंगे कोमो सावा या सिंपली वी से सावा और या देयर इज अनदर वे आल्सो कोमो तालेवू। समर साइड घुमाने से पहले मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को ग्लोब पे दिखा देती हूँ कि आखिर कनाडा में समर साइड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो पड़ता कहाँ पर है। तो देखिए ग्लोब पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से मैं हूँ पंजाब स्टेट से पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। तो ये रहा हमारा अमृतसर आप लोग ऑन स्क्रीन वेरी क्लियरली देख सकते हैं। सो इंडिया से बाय फ्लाइट हम सारी दुनिया सारे आई मीन डिफरेंट डिफरेंट देशों के ऊपर से होते हुए जो हम पंजाबी में बोलते हैं सात समंदर पार करते हुए हम पहुंचे थे कनाडा में। सो ये रहा कनाडा। कनाडा में ये प्रोविंस है जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं वैसे ही कनाडा में प्रोविंसेस होते हैं। तो ये प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया और अब आप देख रहे हो वैनकूवर। वैनकूवर के साथ ही नीचे है सरी। सरी इज द एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अभी हम रमित के कोर्सेज के लिए आए हुए हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो अभी मैं आपको बताऊंगी वैनकूवर से हमने ली थी फ्लाइट। फ्लाइट से होते हुए हम पहुंचे थे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल से फिर हमारी एक और फ्लाइट थी एंड वो फ्लाइट थी हमारी हेलीफैक्स नोवा स्कोशिया के लिए। तो हम नोवा स्कोशिया भी रास्ते में रुके थे वहाँ पर कोई था जिनसे हमें मिलना था। तो ये रहा नोवा स्कोशिया। ठीक है तो नोवा स्कोशिया से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इज लाइक 3 hours और 3 to 4 hours की ड्राइव जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से 3 to 4 hours की ड्राइव। तो फिर हम कार से बाय कार हमने अपना रूट पोर्ट एल्जिन से लेते हुए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ हम गए आई मीन एंड नोवा स्कोशिया को और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को एक ब्रिज है जो जोड़ता है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा लंबा वाला ब्रिज है। इट्स लाइक 5 to 6 minutes ऑफ ड्राइव ऑन दिस ब्रिज ओनली। तो अब आप देखिए सामने इज द प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इट्स वेरी क्लियर और ये रहा समर साइड। समर साइड को मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ कि हम एग्जैक्टली मैं इस टाइम पे हूँ कहाँ पे। तो समर साइड पे ये आप लोग देख सकते हैं इसी एरिया में ही कहीं है मेरा घर। अब इतना मुझे भी नहीं पता इन डिटेल बट यस दिस इज द हॉलैंड कॉलेज जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर है रमित का कोर्स और हमने पास में ही रखा हुआ अपना एयरबीएनबी। सो लेट्स गो आउट एंड लेट मी शो यू द समर साइड।
विंटर गियर डालकर मैं निकल गई एयरबीएनबी के बाहर और ये था मेरी स्ट्रीट का व्यू। घर घर है बट आपको बंदा कोई नहीं दिखेगा यहाँ पर। और ये है वेरी इंटरेस्टिंग सी चीज़, बिजली घर, जो इंडिया में हम जिसको बिजली घर कहते हैं, तो ये वही आपका एरिया है एवरीथिंग। तो आप देख सकते हैं कनाडा में ये कैसा होता है। इसके बाद चलते चलते मैं पहुंची थी यहाँ पर, ये एक कोई लाइक मेरीन लाइंस होता है जैसे बॉम्बे में, तो ये सारा एरिया वैसा ही है। एंड दिस होल सी इज फ्रोजन एंड बहुत सुंदर सा व्यू था ये। एंड मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखकर, मैंने और अमित ने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी। आगे जाने से पहले मुझे लगा आई शुड टेक अ कॉफ़ी, तो मैं गई टिम पे, मैंने ली कॉफ़ी और एक छोटा सा बर्गर। आई हैड अ सिप ऑफ माई कॉफ़ी। बर्गर ख़त्म करने के बाद कॉफ़ी को मैंने हाथ में ही कैरी किया और ये रहा मेरा सुंदर सा टिम का मग। इसके बाद मैं गई डाउनटाउन वाले एरिया में। अब डाउनटाउन में आपको शॉप्स मिलेंगी, कार्स पार्क्ड मिलेंगी, लोग अंदर बैठे दिखेंगे, बट सड़कों पर यहाँ पर सच मानिए आपको लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो अगर कोई देखने को मिलता भी है तो वो बहुत ओल्डरली पीपल हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रिटायरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ रहना, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर रिटायरमेंट आपको अच्छा लगता है आप किसी शांत सी जगह पर समुंदर के किनारे अपना जो है लाइफ जो है वो आप स्पेंड करें। सो या दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट। और ये घूमते घुमाते मैं फिर से उसी ही सी के अराउंड किसी और पॉइंट पर आ गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ना कि थोड़ा सा एक नज़दीक व्यू किसी एक्चुअल में कैसा फ्रोजन है राइट नाउ। सो आप देखो ऊपर वाली जो भी सतह है वो पूरी एकदम से ना अपर लेयर इज ऑल कवर्ड विद आइस। मे बी आप उसमें जोर से कोई पत्थर मारो तो आपको पानी दिख जाए, बट देन राइट नाउ इट्स रियली फ्रोजन। मैंने थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखाया है आपको। तो यार ये है यहाँ का व्यू और आई एम श्योर गर्मियों में यहाँ पे पीपल मस्ट डाई टू कम हेयर इन समर्स एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वेदर एंड द ब्यूटिफुल यू नो मेरीन लाइन एंड एवरीथिंग। एंड सुना है टूरिज्म भी PEI में समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे Airbnbs बहुत ज़्यादा हैं। एंड सो या ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने एक रात पहले भी हम गए थे आउटिंग पे तो मैंने तब ली थी, जस्ट टू शो यू एन आइडिया कि कितना सुंदर लगता है ना ये सब कुछ देखना। एंड आई एम श्योर कि गर्मियों में तो इट मस्ट लुक लाइक हेवन। ये था यार सनसेट, आई रियली लव क्लिकिंग सनसेट्स एंड ऑल। तो आगे वाली वीडियोज़ में भी मैं कुछ ऐसा शूट करती ही रहूँगी। ये कुछ क्लिप्स मैंने मतलब रात की ड्राइव की भी डाली हैं मेरी इस वीडियो में। मी रमित एंड एक और फ्रेंड है हमारे, वो वी वेंट आउट टू एक्सप्लोर द प्लेसेस, बट कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को था नहीं यहाँ पर। बट या दैट्स हाउ द डाउनटाउन इज़। और ये जैसे मेरीन लाइन एरिया है, ये सारा समंदर है एंड देन यू हैव अ रोड ऑन द साइड। जस्ट टू शो यू कि हम कैसे यहाँ पे पैक्ड होकर बाहर निकलते हैं। सो ये रही मेरी जैकेट और ये रही मैं बाकी। नाउ आई एम हेडिंग टूअर्ड्स होम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल्स। इन द कमिंग वीडियोज आई एम गोना कम अप विद मैनी डिफरेंट आइडियाज़। बहुत कुछ है मेरे पास मतलब कंटेंट, अगर जहाँ तक कंटेंट कंसर्न है, एंड आई एम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इट एज मच एज आई कैन।